वेलकम बैक टू माय चैनल प्योर सक्सेना ऑलराउंडर। कैसे आप सब, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, मैं हूँ प्रीति एंड प्यू। और सभी को पहले तो सॉरी, वीडियो बहुत लेट आने वाला है क्योंकि मेरा बैलेंस ही ख़त्म हो गया था, तो आज आया है तो थोड़ा देर में शूट हुआ है और वीडियो पहले से तैयार नहीं था, है ना, तो बस इसी वजह से देर हो गई है। तो आप सबको मॉर्निंग में आपको अपने पैरेट और अपने जो मेरे पले हैं पैट्स वगैरह उनसे मिलवा रहे हैं, तो मिल लीजिए सबसे। हेलो बोलो, हेलो बोल दो मिठू, हेलो हेलो बोलो। हाँ तो चूहों से मिल लीजिए, खरगोश से हेलो, खरगोश से खरगोश भैया हेलो बोलो, हेलो गाइस। तो सब लोग देख लीजिए हमारे मिठू से और रैबिट से और रेड से सबसे मिल लीजिए आप लोग। तो यहाँ सब खेल रहे थे, सब छत पे थे धूप में, मतलब धूप में नहीं, अब तो गर्मी आ गई है। तो अभी हम बनाने वाले हैं चिकन, तो जो नहीं खाते हो प्लीज़ मत देखना, स्किप कर दीजिएगा, अगर खाते हैं तो बिंदास देखिएगा, ठीक है। तो चिकन पहले हम इसको अच्छे से धुल लिया है, इसमें हम नमक लगा रहे हैं, सबसे पहले नमक लगा रहे हैं, ठीक है, नमक लगा रहे हैं अच्छे से, नमक लगा के साफ़ सफाई पहले धुल उल दिया है पहले ही मतलब। और नमक लगाने के बाद इसमें हम दही मिक्स करेंगे, देख लीजिए तो दही मिक्स होगा और मतलब नमक की कोटिंग अच्छे से, थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा नमक नहीं लगाना है, नमक की कोटिंग अच्छे से करनी है और अच्छे से लगा देंगे नमक को पूरे चिकन में, जिससे चिकन का जो पानी हो नरम पड़ जाए चिकन, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन में नमक लगाया जा रहा है और इसका जितना पानी है तो निकाल देंगे तो ये सूख जाएगा। उसके बाद इसमें डालने वाले हैं हम दही, ठीक है, दही डालेंगे। तो यहाँ दही डाल देंगे, करीब दो कटोरी के करीब दही है, और दही और नमक लगा के आधे घंटे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मतलब दही से चिकन को अच्छे से मसाज दे दी जाएगी। मसाज देने के बाद करीब आधे से एक घंटे के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे चिकन बहुत अच्छे से मसाज दे रहा है, दही की मसाज, तो अच्छा फ्लेवर आता है। बाकी कोई अदरक लहसुन का पेस्ट और ये सारी चीज़ें नहीं डालेंगे, बस ऐसे ही हम बनाने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सरसों का तेल, मसाला तैयार करने, ग्रेवी तैयार करने के लिए, तो और सरसों का तेल लिया है। और इसमें अब इसमें हम डालेंगे पीसी हुई प्याज और दरदरा पिसा हुआ गरम मसाला, तो जो मैं सिल पे पीस रही हूँ, बहुत छोटा थोड़ा सा मसाला पीसना था तो मिक्सी में पीसता नहीं, इसीलिए मैंने सिल पे पीस रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं और मसाला दरदरा पीसना है और तेल गरम हो चुका, जब तक इस पे हमने डाल दिए प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और इसको फ्राई होने देंगे। और इसमें साथ ही साथ जो मैंने दरदरा मसाला पीसा था वो भी डाल दिया, ठीक है। और इसमें हम डालेंगे जो घर के बेसिक मसाले थे वो डालेंगे और बाकी चिकन मसाला डालेंगे।
और अच्छे से इसको पहले फ्राई कर लेंगे, अच्छे से भून लेंगे। तो भूनते हुए, अच्छे से भूनते हुए अब इसमें हमने मसाले, बेसिक मसाले, हल्दी, मिर्च, धनिया, टमाटर इसमें यूज़ नहीं किया है, सारी चीज़ें डाल देंगे। और इसमें डालेंगे, अभी डालेंगे चिकन मसाला, और बहुत अच्छे से इसको भी 10 मिनट रेस्ट मतलब भूनेंगे धीमी आंच पे, ठीक है। तो देखिए हमने इधर डाल दिया है चिकन मसाला, बहुत अच्छा ये टेस्टी मसाला होता है, बढ़िया सा। मम्मी मेरी चड्डी कहाँ थी, मेरी चड्डी ला। तो यहाँ पे भूनते हुए भून लेंगे चिकन मसाला डालने में। तो आप कलर देखिए कितना बढ़िया सा आ गया, और अच्छे से भून लिया है चिकन को, बहुत अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे चिकन, जो हमने दही लगा के रखा था, है ना, तो इसमें हम डालने वाले हैं चिकन। और चिकन डाल के अब इसमें पानी नहीं डालेंगे, अच्छे से मिक्स करके इसको हम रख देंगे। चड्डी चड्डी उसको चाहिए, सॉरी घर की बातें भी हो जाती हैं। तो इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे, ठीक है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको ढक देंगे 10-15 मिनट, जो पानी छूटना है पानी छूट जाएगा, और फिर इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसमें अब इसी समय नमक ऐड कर देंगे और ढक देंगे, स्वाद अनुसार नमक जो मैंने डाल दिया है, ठीक है। अब इसको हम 10 मिनट ढक देंगे, अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक देंगे। तो आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो गया, इसमें अभी पानी नहीं डाला है, ग्रेवी वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं डाली, मतलब पानी। अब इसको ढक दिया है, अभी देखिए कितना अच्छा सा हो गया। और पानी मैंने नहीं ऐड किया, अब सीधे सीधे मैं धनिया ऐड कर दिया मैंने। धनिया ऐड करने के बाद आप इसका चिकन का टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया सा, चिकन हमारा 15 मिनट बाद मैंने पकाया, 15 मिनट बाद ढक्कन खोल के धनिया डाल दी, और थोड़ी देर और दम पे डाल दिया 5 सेकंड, तो चिकन हमारा वैसे बन गया, तैयार हो गया। और यहाँ पे हमारा खरगोश मस्ती कर रहा था, और उसको मज़ा आ रही थी, सोच रहा था ये घास है, लेकिन उसको उसको पता है, पता चल गया कि ये तो आर्टिफिशियल घास है। आर्टिफिशियल घास थी। वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल प्लीज़ लाइक करिए, अगर न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, कर दीजिएगा गाइस सब कुछ। हाँ वीडियो थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, लेट लपेट हो रहा है, अब आपको मिले क्योंकि हमारा मेटेरियल खत्म हो गया था, जैसे कि मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा ऐसा बनाया, देखिए कितनी मस्ती कर रहा है। तो सारी चीज़ें कर दीजिएगा। हाँ यहाँ पर जिमी भी है, जिमी भी खेल रहा है, अभी सब लोग खाना पीना खाएंगे। और ये वीडियो आज का नहीं है, मतलब बृहस्पति में सोचिएगा, बुध का है ये, तो आपको बृहस्पति को देखने को मिल रहा है। तो देखिए कितना मस्ती कर रहा है हमारा खरगोश, और हरी हरी घास पे कितना क्यूट लग रहा है, लग रहा है ना प्यारा सा, क्यूटी क्यूटी। और मेरी थोड़ी आवाज़ भी मतलब होली होली बहुत खेली है ना, तो चिल्ला चिल्ला के आवाज़ भी बैठ गई। तो कोई नहीं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो मेरे खरगोश बहुत मस्ती से खेल रहा है, मज़ा आ रही है, और उन लोगों को बहुत मज़ा आ रही है, बच्चे भी खेल रहे, खरगोश खेल रहा है, और सब कुछ वो खोल देती तो वो भी खूब खेलते हैं। तो वीडियो पसंद आ ही रहा होगा, तो पसंद आ रहा हो तो खेलिए, देखिए लाइक कर दीजिएगा, जो मैंने पहले से कह दिया। तो मेरा खरगोश, मेरा मिट्ठू, आप देखें इस समय मिट्ठू बहुत आ गए मार्केट में इस समय। अगर किसी को अगर मैं बता दूं जानकारी के लिए, जिनको मिट्ठू पालने का अगर शौक़ है ना, मार्केट में बच्चों मिट्ठू के बच्चे इस समय मिल रहे हैं, और अभी करीब अप्रैल तक मिलते हैं, 2 महीने मिलते हैं। तो जिनको बच्चा अगर चाहिए तो मार्केट जाके अपना ले सकता है। और ये पेंटिंग देखिए कितनी प्यारी लग रही है, ये पेंटिंग मैंने करी थी होममेड, मतलब मेरी हैंडमेड है। तो ये देखिए सीप पे डिज़ाइन करके और सुनील कपड़े के ऊपर,
होती नहीं थी पहले, वही वही है पेंटिंग। मैंने सोचा पेंटिंग दिखा दूँ, तो पहले अच्छा लगता था स्कूल टाइम में करती थी, बहुत सारी बनाई थी। बाकी तो चूहे ने काट दी थी, इसको तो थोड़ा सा कर दिया था, और पापा ने ही इसको वो मड़वा दिया था, तो ठीक है। बाकी तो चूहे ने काट दी थी पहले से। तो क्या नाम है, जाते जाते लाइक कर दीजिएगा गाइस वीडियो। ये अगर मेरी पेंटिंग, मेरे हाथ की बनी हुई पेंटिंग आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, और छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। जाते जाते खुद का ख्याल रखो, मम्मी पापा ख्याल रखो, और जिनसे प्यार करते हो उनका ख्याल रखो। ओके फैमिली, बाय, लव यू। आज मेरी आवाज़ से काम चलाइए, क्योंकि कल मिलते हैं आपसे, ठीक है, नए दिन नए ट्रॉपिक के साथ।